वेलकम बैक टू प्रियू व्लॉग्स चैनल। कैसे हैं गाइज आप सब? हो सो सारे सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज का जो व्लॉग शूट हो रहा है, एक नई ही जगह से ये व्लॉग शूट हो रहा हो, यहाँ पे बहुत ही ऐसे रास्ता ना डेंजरस आया तो मैं गिर भी सकती हूँ। आज ये जो व्लॉग शूट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है दिया बढ़ारनू? इसको बहुत ही शर्म लगती है यार व्लॉग्स आने में, बट मेरे को नहीं लगती, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिकॉज यार आई एम ब्लॉगर, ऑफकोर्स ये बात है। आप लोगों को बताना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या चल रहा है लाइफ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ यार, मैं भी यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये देखो यार कितना ही अच्छा है, ये पानी है, ये पुल है और पुल के ऊपर मैं चल रही हूँ। ठीक है गाइज, और अभी पता ही गाइज आज मैं जा रही हूँ, ठीक है, रामपुर बुशहर। आज मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या चीजें होगी बस में मेरे साथ। अभी मैं पता है 10 बजे की घर से निकल गई हूँ, घर से काफी पहले। और ये जो व्लॉग आएगा, एक चीज बता देती हूँ, ये व्लॉग मैं दिसंबर में शूट कर रही हूँ, बट ये व्लॉग आपको जनवरी में आएगा देखने को, ठीक है, जनवरी में मिलेगा। एंड आज मैं 10 बजे घर से निकल गई थी। मैं पता क्यों आई बढ़ारनू, क्योंकि बस जाती है 12:30 बजे रामपुर बुशहर को, ठीक है। और मुझे भूख भी आ गई थी बहुत ही ज्यादा यार, 10 बजे खाई थी मैंने घर पे, ऐसा नहीं है। फिर मैं पहुंच गई, खाना खा के घर से निकली, बट यार मेरे को बहुत भूख आती है, सच्ची बात बताऊँ, मैं बहुत ही भुखड़ हूँ, तो फिर मेरे को बहुत भूख आती है। फिर मैं दिया के रूम आ गई, मैं कहा दिया के रूम जाते हैं, ये मेरी वैसी भी लिटिल सिस्टर है, हाँ, तो इसके रूम आ गई, इसने मैगी बनाई, मैं मैगी ले आई एंड दाल चावल बनाए थे वो खाए, और अब निकल रही हूँ क्योंकि फिर 12:30 बजे बस भी है ना, तो करके। और ये देखो कहाँ गई यार वो अंजू, नहीं आई अभी, आराम आराम से ये लोग चल रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी बस तो जाने वाले है नहीं, बस तो मेरी जाएगी ऑब्वियसली सी बात है। और यहाँ का रास्ता जो है ना बहुत ही बकवास है, बिकॉज बहुत ही धूल वाला है सच्ची में। अब ना मैंने ज़्यादा खा ली कुछ, बहुत ही हो गया, मेरा पेट हैवी हैवी ज़्यादा ही खाली। अब मैं मिलूंगी आपसे बस स्टैंड पे जब मैं बस पकड़ूंगी, एंड देन दिखाती रहूंगी बाहर का व्यू, थोड़ा बहुत आपको यहाँ का भी दिखा देती हूँ नज़ारा, ठीक है गाइस। गाइस अभी लगी मैं चॉकलेट खाने, मेरी चॉकलेट है यार, मेरे को ना चॉकलेट ही चॉकलेट चाहिए यार। हाँ, जो मेरे को 100 चॉकलेट 100 रुपए की देगा ना, उसकी जीएफ बनूंगी मैं, मैं रेडी हूँ उसकी जीएफ बनने के लिए। बट ये नहीं होना चाहिए हाँ कि मैं जॉब के बाद दूंगा लाइक, या कोई भी चीज़ होगी उसके बाद दूंगा, उसके बाद तो यार बहुत सारे लोग देख सकते हैं मुझे, बहुत सी ऑफकोर्स ही बात है। हाँ, जो मेरी इस वीडियो को देख के सीधा मेरे को बोलेगा ना कि आई एम रेडी, कि मैं आपको चॉकलेट देने के लिए रेडी हूँ 100 रुपए की 100 चॉकलेट, तो उसकी जीएफ बनूंगी मैं। क्यों, क्या है दिया, अच्छा प्रैंक है ना, प्रैंक नहीं अच्छी रियलिटी है, क्यों दिया, क्या बोलते हो? अरे सच्ची में मजाक नहीं कर रही हूँ, जो इंसान मुझे दे सकता है ना मेरी जैसी यही का कोई भी, अगर लड़की होगी वो भी दे सकती है जिसको मैं अच्छी लगती हूँ, देन उसको मैं अच्छी दोस्त बना लूंगी, ठीक है। हाँ, कोई लड़का देना चाहे उसकी तो मैं जीएफ भी बन जाऊंगी, जो मेरे को 100 रुपए की 100 चॉकलेट देगा, ठीक है। अभी नेस्ले चॉकलेट खा रही हूँ, मेरी फेवरेट है, मेरे को ना बहुत ही मजा आता है चॉकलेट खाने में, बहुत मजा आता है मेरे को। आप लोग भी खाओ यार। गाइस फाइनली मुझे बस मिल चुकी है, एंड सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, आपको यहाँ से वो आएगी रोशनी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट मुझे ये सीट मिल चुकी है, एंड सीट भी अच्छी मिली है, विंडो सीट मिली है, और इस साइड मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड यहाँ से मेरा कैमरा तो बहुत ज्यादा खराब है आप लोगों को पता है, इसलिए मैं व्यू तो दिखा नहीं पाऊंगी आप लोगों को, राइट, और बहुत ही रोशनी आ रही है, ठीक है गाइस। अब ना मैं आपसे जहाँ पे रुकेंगी खाना पीने खाने वहाँ पे मिलूंगी, एंड देन फिर मैं आपसे एग्जैक्ट जहाँ पे रामपुर बुशहर वहीं पे मिलूंगी। बाय बाय गाइस। बहुत ही ज्यादा नींद आई थी सच्ची में, मैं बहुत ज्यादा नींद आ गई थी, और बस अभी रुकी है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा बंथल क्या बोलते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे रुकी है, अभी खाना वगैरह खाने जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड मैं भी सोच रही हूँ कुछ ले आती हूँ, बिकॉज माई फेवरेट चॉकलेट, देखती हूँ नहीं कोई ले आती हूँ, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी जैसे मेरे को बहुत ही नींद आ गई थी, मैं सो गई थी बढ़िया से, कट सोक से, मतलब थोड़ा सा 15-20 मिनट, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती है बस पे बैठी नहीं कि नींद आई नहीं, तो निकलती हूँ मैं अभी बाहर मास्क लगा के, बिकॉज मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आप लोग नहीं जानोगे क्यों, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं निकलती हूँ, ठीक है गाइस, चलते हैं, आपको भी ले चलती हूँ, आप ही टेंशन ना रो ब्रो, मेरा फोन ना मैं मतलब वो नहीं है मेरे पास अभी, ना क्या बोलते हैं
पकड़ने के लिए, तो मैं कहीं पे हर कहीं रख देती हूँ। ठीक है, मैं तो निकल रही हूँ ना बाहर कुछ लेने, मुझे भी नहीं पता मैं क्या ले आऊंगी, बट बहुत ही ज्यादा खतरनाक धूप है भाई। और अगर मैं फोन से और पता है जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे मेरे फेस पे ना ये पिंपल वगैरह भी बहुत ही फटाफट हो जाते हैं, अदरवाइज तो होते ही नहीं है। मुझे कुछ बिस्किट वगैरह इस टाइप का लेना, क्योंकि होटल में खाना वगैरह ये सारी चीजें तो मेरे से होती है नहीं। आंटी हाइड एंड सीक बिस्किट है कौन सा? और गाइस ये सब ले आई मैं, अभी आपको दिखा देती हूँ, अंदर बस के अंदर जाती हूँ, देन मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीजें ले आई खाने के लिए। गाइस मेरी सीट मुझे मिल चुकी है, एंड अभी बताती हूँ मैं, बैग पिच बैग गोदी में रखने दो, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या ले आई। नंबर वन माई फेवरेट स्प्रिंग, एंड ये मैंने ऐसे ही ला दिया यार, मुझे कुछ वहाँ पे दिख नहीं रहा था। और बिस्किट देखो कौन से टाइगर बिस्किट खा रही हूँ मैं, ये लाए 50 rupees का भी होल वहाँ पे, 50 का मैं खाना भी खा सकती थी, बट मेरे से खाया नहीं जाता बाहर का खाना, प्रॉब्लम इज दैट। एंड अभी मैं मास्क नीचे कर देती हूँ, वैसे तो मैं खोल ही देती हूँ, मेरे को सच्ची बात बताओ पसंद नहीं, बट बाहर जाने के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी था ये, क्यों वो भी मैं बता दूंगी कभी रीजन यार। अगर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी अब रिवील कर देना चाहिए, देन मैं आपके साथ जरूर रिवील करूंगी। और ये ब्लॉग काफ़ी बाद आएगा, 15-20 दिन बाद आएगा ये ब्लॉग, तो यार खुल ही नहीं रहा कैसे करके। मैंने ये खोल दिया, माय फेवरेट, बट ये ठंडी नहीं है। चीयर्स। बहुत ही अच्छी है। अब टाटा बाय बाय, मैं इंजॉय कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर मैं सो जाऊंगी, फिर मैं सीधे आपके पता नहीं कौन सी अड्डी, चौधरी अड्डा पता नहीं इस टाइप का नाम है, वहाँ पे उतरूंगी, देन जाके वहाँ पे दिखाऊंगी आपको। ठीक है गाइस, आधे रास्ते पे पहुँच चुके हैं हम, और बट हमारी बस खराब हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं, जितने भी यहाँ से देख सकते हैं पीछे की ओर लगे हैं सारे के सारे वेटिंग पे, बिकॉज बस होगी खराब, पता नहीं इसमें क्या हुआ। अब जाना तो है हम सब ने मेन डेस्टिनेशन पे, तो अभी कर रहे हैं हम बस का वेट यहाँ पे। एंड वन मतलब अभी ना यहाँ पे बहुत ही वो है यार, अंधेरा सा हो गया है, सच्ची बात बताओ तो। मतलब अगर मेरे फोन की बैटरी देखी जाए तो अभी 20 से भी ऊपर, मतलब खत्म ही होने वाली है, ये रखो कि 16-17 इतनी बची है। तो अभी मुझे बहुत मतलब 4 किलोमीटर यहाँ से आगे रह चुका है रामपुर, ठीक है। तो अभी के लिए तो फिलहाल यही बतानी थी आपको अपडेट की, ये देखो यार कैसी खड़ी है बस, कितनी बदतमीजी है ये बस यार। तो फिर मिलती हूँ, या तो पैदल जाना पड़ेगा या यहाँ से दूसरी बस जाएंगे, बस उसी में ही सारी चीजें ही करनी पड़ेगी, बाकी तो क्या कर सकते। गाइस अभी पहुंच चुकी हूँ मैं रामपुर में, ये देख लो ये है मेरे पार्टनर इस टाइम बने, ये है दादू, एक बस से मुझे मिले, उन्होंने लेके यहाँ से ले जाता हूँ तेरे को, मेरे को पता नहीं था यहाँ की सीढ़ियों का क्या है वो है व्हाटएवर जो भी, मतलब यहाँ का रास्ता मुझे पता नहीं, मैं दूसरी साइड से आई हूँ। एंड कोई भी इंसान अगर मुझे देखेगा ना वो बोलेगा यार ब्लॉग शूट कर रही है और इसका कैमरा बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मैं क्या करूँ यार, फ्रंट तो अच्छा है ना, ये देख सकते हैं रामपुर। मैं ना इनके साथ चलूंगी, दादू के साथ, ताकि मुझे ये रास्ता बताए, ऐसे नहीं मैं निकल सकती हर कहीं से। उतने को देखो आप, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इन सीढ़ियों से यार, और पूरी भूतनी बन चुकी हूँ, कोई चक्कर नहीं। ओके ओके दादू, दादू जा रहे हैं उधर सब्जी वगैरह लेने, मैं भी यहाँ पे बैठ जाती हूँ 2 मिनट, दादू उधर ही गए हैं, मैं बैठ जाती हूँ उधर। कहाँ जाना है, चलो है नी, ओके काफी बड़ा है रामपुर है ना दादू, बीच गुजरात तो नीचे से है। अच्छा अभी आप मेरे को गली गली से ले जा रहे हैं, ये देखो आप भी अभी फटाफट से दादू और मैं चलते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, फिर जाके आपसे मिलेंगे, ठीक है गाइस। हाँ मस्ती रहना चाहिए, क्यों दादू।
ये है गाइस पुल, इसके पुल के ऊपर चल रहे मैं और दादू, मेरे को नहीं पता कौन दादू है कहाँ से, बट अच्छे हैं दादू, मजा आ रहा है दादू के साथ चलने में। ये देखो यहाँ से नीचे आपको दिखेगा पानी, ये नदी है, कौन सी नदी है, सतलुज है ना। ओके गाइस, अगर यहाँ से जोर से बोले जाए आई लव यू, वापिस नहीं आता है यार, वापिस नहीं आया, आया नहीं वापिस। मैंने सोचा कि आवाज ना गूंजेगी, बट नहीं गूंजती यहाँ पे उतनी है ना, नहीं गूंजती, बट चलो कोई बात नहीं। अब ना मैं गप्पे शप्पे मारती हूँ दादू से, पूछती हूँ कहाँ कहाँ से है, फिर जाके आपसे मिलते हैं। गाइस अभी ले चुकी हूँ मैं ये सामान, अभी जस्ट मैम के रूम में पहुंचने वाली हूँ। मैम का मैं ना मोटा ही सरप्राइज देने वाली हूँ, ठीक है। तो मैम की रिएक्शन कैप्चर करेंगे हम कि जब मैं अंदर पहुंचूंगी तो मैम को कैसा लगता है। एंड यार मुझे ना एक सच्ची में कैमरे की जरूरत है, मेरी चॉकलेट ऑल टाइम फेवरेट, मेरे को यार जब कहीं जाना हो तो पिंपल भी निकल आते हैं। सच्ची बात बताऊं मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं मैम को सरप्राइज देने वाली हूँ। दादू के साथ मजा आया, लिटरली बता रही हूँ, आई एम ए गुड फ्लड मार। मैंने दरवाजे पे नॉक किया है, देखते हैं मैम खुलते हैं कि नहीं। ऐसा ना हो मैं कहीं गलत जगह पे आ गई हूँ, नहीं आ रही फ्लोर होगा। हेलो नमस्ते आंटी, मैंने सुना मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गई आज। अच्छा मैंने तो यही सोचा था आंटी कि मैंने आज गलत दरवाजे पे आ गई। ठीक है बेटे, आप सुनो मैं अच्छी हूँ बेटे, घर में सब ठीक? हाँ जी मेरे सब ठीक है, आप बताओ? सब ठीक है।